जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और दमदार वीडियो में देखेंगे बिहार में प्रस्तावित एक और एक्सप्रेसवे पटना सासाराम एक्सप्रेसवे के बारे में। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। आगामी कुछ वर्षों में बिहार में लगभग 12-13 एक्सप्रेसवेज का जाल NHAI द्वारा बिछाया जाना है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का सपना है कि बिहार के किसी भी कोनों से राजधानी पटना तक 5 घंटों में पहुंचा जाए। हालांकि कुछ वर्षों में बहुत हद तक ये साकार होता दिखा है और रोड निर्माण में बहुत सुधार हुआ है। अब भारत सरकार के NHAI उपक्रम द्वारा बिहार में हजारों करोड़ के निवेश कर बिहार के किसी भी कोनों से राजधानी पटना तक वर्तमान के 5-6 घंटों से घटाकर आधा करने की है, अर्थात 2-3 घंटों में पहुंचाने की है। इसी कड़ी की लड़ी में बिहार में एक और एक्सप्रेसवे पटना से सासाराम तक एक नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किया गया है। पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ 118 किलोमीटर 118 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे को दो पैकेजों में बनाए जाएंगे। पहला पैकेज सदिसोपुर से पातरखंड पर 1,494.69 करोड़ तथा दूसरा पैकेज पातर से सोरा सासाराम तक 1,484.72 करोड़ से निर्माण होगा। यानी कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने पर कुल लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि नितिन गडकरी जी ने 4,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया है, जो बाद में बढ़ सकता है। सामान्यतः एक्सप्रेसवे रोड का डिजाइन 120 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार बनाया जाता है। अतः इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद 1 घंटा के अंदर सासाराम से पटना और पटना से सासाराम पहुंचा जाएगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नाम 119A दिया गया है। ज्ञात होगा कि 119D आमस एक्सप्रेसवे दरभंगा का ऑफिशियल नाम है। पटना सासाराम एक्सप्रेसवे का एक बार अलाइनमेंट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह एक्सप्रेसवे दो पैकेजों में बनाए जाएंगे, अतः देख लेते हैं दोनों पैकेजों का क्रमशः लंबाई और अलाइनमेंट। पटना सासाराम एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट वर्तमान में आरा सासाराम के समानांतर बनाए जाएंगे। पटना शहर के रिंग रोड पर सदिसोपुर से शुरू होकर सोन नदी पार कर आरा शहर से दक्षिण की तरफ पातर होते हुए गढ़हनी पीरो विक्रमगंज संझौली से सोरा सासाराम तक 118 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। सदिसोपुर से पातर पैकेज 1 की कुल लंबाई 35 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत 191 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण पर इस पैकेज पर कुल 1,494.69 करोड़ में से 352 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 1,143 करोड़ रुपये सड़क के निर्माण में खर्च होंगे। पैकेज 2 आरा बाईपास पातर से होते हुए सोरा सासाराम तक का कुल लंबाई 83 किलोमीटर होगी तथा इस 83 किलोमीटर खंड के लिए कुल 374 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के लिए 405 करोड़ रुपये तथा शेष 1,076 करोड़ रुपये सड़क के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे। पैकेज 1 पटना के नज़दीक होने के कारण छोटा रूट होते हुए भी जमीन के दामों की वजह से ज़्यादा खर्च होगा। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे की ज़रूरत क्यों हुआ? जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया, पटना राजधानी को बिहार के दूसरे शहरों से और नज़दीक लाना है। इतना ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली और कोलकाता जाने के लिए कनेक्टिविटी को और सुगम करना है। पटना से दिल्ली और कोलकाता जाने के लिए अभी सबसे प्रमुख मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज रोड ही है, और अभी फिलहाल कोई ऐसा रूट नहीं है जिसके द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज तक आसानी से पहुंचा जा सके। हालांकि वर्तमान में पटना आरा मोहनिया, पटना बख्तियारपुर, पटना आरा सासाराम स्टेट हाईवे, पटना गया डोभी रोड से पहुंचने में एक्सेस कंट्रोल रोड नहीं होने से बहुत समय लगता है। इन चारों रूटों पर 40-45 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा स्पीड में ट्रैफिक रहने के कारण नहीं चलाया जा सकता है। पटना से स्वर्णिम चतुर्भुज तक पहुँचने में 3-4 घंटे का समय लग जाता है। इन्हीं सब कारणों से पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि NHAI द्वारा इस एक्सप्रेसवे के लिए अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही इस एक्सप्रेसवे का 3A नोटिफिकेशन आता है, आपको रूट अलाइनमेंट बता दिया जाएगा। इतना ही नहीं, टाइम टू टाइम इस एक्सप्रेसवे का हर एक छोटा बड़ा अपडेट मिलता रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक फ्रेश और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।